हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल का ढोकला, जो बहुत ही टेस्टी होगा और प्रोटीन से भरपूर होगा। तो जिस किसी को प्रोटीन से भरपूर नाश्ता चाहिए, तो वो नाश्ता आपके लिए है। तो चलिए हम ये रेसिपी बनाना सीखते हैं। तो हमने हरी मूंग भिगो दी है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, और हम एक कप पोहा ले रहे हैं। उसको पानी में भिगो देना है, बस पानी डाल करके थोड़ा सा दबाना है और उसको रख देना है। थोड़ा सा फूल जाएगा तो इसका पानी निकाल करके हम इस मिक्सर इसमें ये दाल में मिक्सर में डाल देंगे। ये दाल को हमने पूरी फुला ली है, बहुत ही अच्छे से फूल गई है दाल, और इसको डाल करके मिक्सर में पीस लेंगे। फाइन सा पेस्ट पीसना है और इसका पानी हम निकाल देंगे। ये पोहे का पानी हम पूरी तरह से निकाल देंगे और इसमें हम ये डाल देंगे। पोहा दाल के साथ एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेते हैं, और इसमें कुछ हरी मिर्ची डाल दे रहे हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें हरी धनिया डाल देंगे थोड़ी सी, और हींग डाल दे रहे हैं 1/4 TSP, नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा अदरक डाल देंगे 1/4 TSP करीब, लहसुन डाल देंगे 1 चम्मच, लहसुन का पेस्ट है, और थोड़ी सी मेथी डाल देंगे जिससे हमारे ढोकले को इम्प्रूव होने में अच्छा होगा। और इसको हम पीस लेते हैं पानी डाल करके। थोड़ा सा एक फाइन पेस्ट हमने बना लिया है और इसको हम निकाल लेंगे एक बॉल में। एक पेस्ट अभी बहुत ठीक है ये, तो अभी इसमें हम 2 चम्मच रवा मिला रहे हैं, फाइन वाला रवा जो है उसको मिला देंगे। अच्छे से मिक्स कर देना है, और अभी देखिए बहुत ही ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जो, और इसमें ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच डाल देते हैं हम, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लोइंग रखना है, तो इसको अच्छे से फेंट देना है। विस्क से ही करेंगे तो बहुत अच्छे से फेंटेगा ये। तो ये देखिए, अब इसमें हम इनो डालते हैं, 1 पैकेट इनो हम डाल देते हैं, और इस पर अब हम डालेंगे नींबू का रस डालेंगे। और ये देखिए, हमने ये जिसमें हमें करना है लगाना डालना है ढोकला, उसको हमने ग्रीस करके रख लिया है कटोरी को, और इसमें नींबू डाल देते हैं इसके ऊपर, जो बहुत ही जल्दी अपना इनो काम करने लगेगा। तो ये देखिए, हम इसमें नींबू डाल दिए हैं और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, पूरी तरीके से मिक्स कर देंगे जब तक ये अच्छे से पूरा मिक्स ना हो जाए और ये फूलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, हम इसको अच्छे से मिक्स कर दिए। अब इन कटोरियों में हमने तेल लगा के पहले से ग्रीस करके रख लिया है, और इसको हम ढोकला बना रहे हैं तो इसको हम स्टीम में बनाएंगे। ये हमारा बैटर तैयार हो गया, और ये देखिए, इसमें हम अब डाल देंगे ढोकला बनाने के लिए। आज हम कटोरी में बना रहे हैं, जो बड़े बड़े ढोकले बनेंगे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, तो पूरा नहीं भरना है कटोरी को, थोड़ा सा हाफ ही रखना है। ये देखिए, और थोड़ा सा टैप कर देंगे कटोरी को हम, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखिए, हमने स्टीम के लिए पानी चढ़ा दिया भगोने में, और उसके ऊपर एक छन्नी रख दी है, और इस छन्नी के ऊपर हम ये दोनों अपनी कटोरियाँ रख देंगे और कोई ढक्कन से इसको कवर कर देंगे। तो 20 मिनट के लिए इसको हम कवर करेंगे गाइस, मीडियम टू लो गैस पर। और एक बड़ा ढोकला बना ले रहे हैं ये बड़े बर्तन में। तो ये देखिए, तो इसको भी हम रख दिए हैं इसमें, अभी वो हो जाने के बाद इसको रख देंगे। तो ये देखिए, हमने दूसरा ढोकला रख दिया और वो हो गया हमारा ढोकला तैयार बनके। तो इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे गाइस, बहुत गरम गरम में नहीं निकाला, नहीं तो फट जाएगा। और हमने हरी मिर्च की चटनी और लहसुन नमक की डाल करके पीस ली है। और ये देखिए, ये ढोकला ठंडा हो गया है, थोड़ा सा ठंडा होने देना, बहुत ज़्यादा नहीं तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, गर्म ही अच्छा लगता है।
तो इसको साइड से कोई चाकू या चम्मच की हेल्प से साइड में एक बार चला देंगे तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा और बहुत ही स्पॉन्जी ढोकला बनेगा और बहुत ही अच्छा, खाने में बहुत ही टेस्टी है और प्रोटीन से तो भरपूर है ये ढोकला। तो ये देखिए हमने दोनों ढोकला बना लिया है, ये ढोकला बहुत बड़े बड़े बने हैं। तो देखिए गाइस ये हमारा ढोकला बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया है। तो दोनों ढोकलों को हम निकाल लेते हैं और सर्व करके आपको दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा ढोकला बना है गाइस। अगर प्रोटीन से भरपूर आप नाश्ता करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और बहुत ही अच्छा ये नाश्ता बन के तैयार होगा और बहुत ही हेल्दी और बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी आपको इसको खाने से और बहुत ही टेस्टी है। और तो गाइस आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिए। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।